नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीडी रेंज। मध्य प्रदेश उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत स्थानीय दबंगों द्वारा हरिजन परिवार एवं यादव परिवार पर जानलेवा हमला करते हुए उनके घर को आग के हवाले कर देने का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित जनों ने बताया कि उन लोगों को अमरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके परिवार पर वहाँ के दबंगों ने रंजिश रखते हुए उन लोगों पर जानलेवा हमला किया, जिसकी रिपोर्ट उन लोगों के द्वारा अमरपुर पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जहां इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से की गई है। वहीं पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने बताया कि यह मामला मेरे संज्ञान में आया है, जहां जांच कार्रवाई के बाद दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पेशे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। सिर्फ पैसा वाले की हेल्प करते, थाने में जाते हैं तो भाई ठा लेते हैं, एक दिन घंटा बाद में बोल देते जाओगे। हम का करें बताइए सर, हमारी कोई सुनाई नहीं होती कहीं, हम इसे नहीं सकते। उमरिया आए हैं साहब के मेरे घर में आके घुस के मेरे को, मेरे बहू को मारे पीट किए हैं। मन पड़ोसी लोग सब दौड़े तो वो लोग भागे तो उनकी चोट लग गई। वो लिखा दिए हैं हमको कि मारपीटे किए हैं। ग्राम बेंदी के रहने वाले हैं, वहाँ पे हमारा हमारे साथ मारपीट हुआ है। गांव के पंडित लोग हम मारे हैं, घसीट घसीट के घर में आग लगा दिए हैं। हम ग्राम हम चौकी में गए थे, चौकी में रिपोर्ट करें, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं थी, इसलिए हम यहाँ पे आए। उमरिया नाम है सर, ग्राम पंचायत बेंदी से आए हैं। हमारे साथ राजमणी राम सुहामन और रमेश चतुर्वेदी यानी 50 ब्राह्मण बिल के महिलाओं के साथ अत्याचार और मारपीट घसीट किए हैं, जिसमें रोक बीच बचाव करने वालों के साथ मारपीट किए हैं। लास्ट में पूरा घर फोड़ कर और वहां आग लगा दिए हैं और नटाई में चढ़ चढ़ के दुमचे हैं, अंदर भूसा लात से मारे हैं, जातिगत गाली दिए हैं, चमनिया नीच इस तरह का प्रकरण संज्ञान में आया। उसमें ये पता चला कि कुछ ग्रामों में वहाँ पर भी अभी भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, या जो पिछड़ी जातियां हैं उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे हैं। तो ये दौर तो सब कोई आपस में मिलकर के जो हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है उसका सामना करने की है, और उस दौर में इस तरह की जो ये वारदात हैं ये बड़ी कष्टप्रद है। इससे हम ये महसूस करते हैं कि पुलिस का भी काम बढ़ जाता है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि आखिर हम जिस तरह के समाज की कल्पना कर रहे हैं, जहाँ पे दलित शोषित सब हमारे साथ मिलजुल करके रहेंगे, और अगर उनके ऊपर इस तरह के जुल्म और अत्याचार होंगे तो ये बड़ी संकट और बड़ी परेशानी की बात होगी। तो मैं सरकार से इस बात की अपेक्षा करता हूँ कि जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिलाने में उनकी अहम भूमिका होगी, तो समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा, और दबे कुचले दलित शोषित वो लोग भी अपना एक सम्मानजनक जीवन जी पाएंगे, उनके लिए भी एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। अमरपुर पुलिस चौकी के अंतर्गत एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें दबंगों ने एक यादव फैमिली और एक हरिजन फैमिली पर जो है घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है, उनके पुरुषों को भी प्रताड़ित किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने अमरपुर चौकी में की थी। किंतु पुलिस ने जब कोई ध्यान नहीं दिया तो आज माननीय पुलिस अधीक्षक के महोदय के सामने वो आए हैं और अपनी गुहार लगा रहे हैं। चूँकि हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय काफ़ी ही सहृदय व्यक्ति हैं और गरीबों की सुनते हैं, उम्मीद है निश्चित रूप से पीड़ित जनों की वो सुनेंगे और दबंगों के खिलाफ विधि संगत जो कार्यवाही होगी करेंगे। धन्यवाद। बिल्डिंग लॉ से शिकायत प्राप्त हुई है, इसकी तुरंत जांच करा के इसमें विधि अनुसार कार्रवाई की जाए।